दुनिया की आखिर है। बताओ भगवान की चीजों को हाथ नहीं लगाते और तुमने सीधे पाँव लगा, और तुम्हारे सैंडल कहाँ गए? यही तो थी। तुम दो ने देवी, देवी कहाँ गई आप? देवी कहाँ गई आप? ये लो तुम्हारे सैंडल, तुम झूले के पास भूल गए थे। युग वो लोग बीजी को ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। क्या? और तुम क्या कर रहे हो? जल्दी पहनो। अरे देवी प्लीज प्लीज देवी वापस आ जाइए। देवी देवी इतने सालों के बाद आप मुझे मिली है, प्लीज देवी, देवी कहां गई आप? देवी प्लीज वापस आ जाइए और इन्हें अपना वैभव दिखाइए। देवी यही तो थी वो, इन्हीं चरण चिन्हों पे उन्होंने अपने पैर रखे थे। और मेरे सारे एफर्ट्स को वेस्ट कर दिया तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी देवी अंतर ध्यान हुई है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आप एक डॉक्टर हैं, आप ऐसी तकियानुसी बातें कैसे कर सकते हैं? इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनका अवतरण। वो मानवता का कल्याण करने आई है लेकिन तुम सब अज्ञानी लोगों की वजह से वो वापस चली गई। कोई बात नहीं, मैं उन्हें फिर से पुकारूंगा, मैं फिर से देवी को आवाज दूंगा और मैं फिर से रोकूंगा तुझे। मैं बता रहा हूं शिव, अगर तू अपने भ्रम से बाहर नहीं निकला ना तो दोस्ती एक कदम पीछे छूट जाएगी। आपकी बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू कोर्ट, पुलिस, मीडिया, सबके पास जाऊंगा। यू स्टिल थिंक देवी इज माई इल्यूजन राइट? बट आई विल प्रूव यू रॉन्ग संजय। सत्य परेशान हो सकता है पर अजित नहीं। मैं अपने यकीन के रास्ते पर चलने से कभी नहीं रुका और कोई मुझे रोक नहीं सकता। ब्रह्मा भी नहीं। जय हो, शुभ हो। यार रुक, मैं जवाब दे दे, आज कितना भागेंगे? मिठाई की दुकान में छुपते हैं, मिठाई की खुशबू से एनर्जी भी आ जाएगी। जब देखो जब मिठाई मिठाई करता रहता, खा खा के फट जाएगा मोटे। इससे अच्छे कपड़ों की दुकान पे चलते हैं, वहाँ बहुत सारी फ्रॉक होगी, इतनी से भी अच्छी, देखकर मजा ही आ जाएगा। खुशबू से ना तो पेट भरेगा, ना ही ड्रेस देख कर हम ब्यूटीफुल लगेंगे। खिलौनों की दुकान पे चलते हैं, देखते देखते थोड़ा खेल भी लेंगे। जब तो मंडको यहाँ जान पर बनी है और तुम राजी लोग मस्ती के मजे के चक्कर में हो, और ये मैम साहब
इनसे तो दौड़ा भी नहीं जा रहा है। बच्चा चोर, सब आ गए हैं ना? हाँ, अरे अकुल, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी मार गई क्या? एक घंटा मारूंगा। कैसी बात निकाली मुझे? अब क्या करेंगे लोग? एक नया काल चक्र शुरू होने जा रहा था। आप मेरे सामने थी, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरी तपस्या को एक पल में ही शून्य कर दिया उन मूर्खों ने। ये शून्य ही सच है शिव। तुम फिर आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या करूं? अपने दोस्त और आपके देव गुरु का भ्रम जो तोड़ना मुझे। शिव, शिव मैं जानता हूं तुम उस पर बहुत गुस्सा है। I'm sorry, मैंने बहुत ज्यादा भूल दिया। प्लीज मुझे एक मौका दे, मैं साबित कर दूंगा अभी इसी वक्त कि ये कोई देवी नहीं बल्कि सिर्फ तेरा भ्रम है। दीपक, अभी के अभी इन्हें यहाँ से बाहर फेंको। रहने दो भाभी। शिव हकीकत की जमीन पर आ और इनसे मिल। ये एक पेंटर हो तो जो बताएंगे कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। इधर आओ, बताओ। देवगुरु प्रणाम। और क्षमा, ये तस्वीर हम बनाए हैं गंगा जी की घाट पे। एक साल पहले अपने माँ बाबू जी के साथ आई थी ये बिटिया, लेकिन कहाँ बताया आपको, पिछले हफ्ते जो तूफान आया उसमें हमारी सारी तस्वीरें उड़ गई और उसी के साथ ये तस्वीर गंगा मैया में बह गई। किस दिन आया था तूफान? पिछले सोमवार। पिछले सोमवार? शिव, पिछले सोमवार जब तुमने जल समाधि ली थी तो ये तस्वीर मिली थी, वो पिछला सोमवार ही था। मैंने कहा था ना तुझे, इस तस्वीर का मिलना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तूफान उसी दिन क्यों आया? वो तस्वीर बहके मेरे ही सामने क्यों आए? तुम जिसे इत्तेफाक कह रहे हो ना संजय, वो भी देवी के इशारे पर हुआ है। क्या हो गया तुझे? तुझे समझ, ये कोई देवी नहीं है बल्कि एक साधारण लड़की। ये साधारण लड़की नहीं है, आज सिर्फ थप्पड़ मारा है संजय, लेकिन मेरे और मेरी देवी के बीच आने वाले हर राक्षस को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा मैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।